जय श्री राधे मित्रों, वैदिक ऋषि यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, मैंने आपको इसके पीछे रुद्राक्ष के विषय में साधारण जानकारी भेज दी है। आज हम आपको दशमुखी रुद्राक्ष के विषय में बता रहे हैं। दशमुखी रुद्राक्ष, इनके नियामक ग्रह विशेष तो कोई नहीं है, परंतु ये 10 दिक्पाल और समस्त ग्रहों के दोषों का शमन करने की सामर्थ्य रखते हैं। दशमुखी रुद्राक्ष, दशमुखी रुद्राक्ष का प्रयोग करने से 10 दिक्पालों के अंदर जो दशों दिशाओं से आपको दिग्भ्रमिता, भय या निराशा उत्पन्न होती है, उनसे आपको राहत मिलता है, यानी आपको इन समस्याओं से मुक्ति मिलती है। दशमुखी रुद्राक्ष आपके अंदर ऊर्जा को बढ़ाता है। ये इसका जो मंत्र है, बहुत साधारण मंत्र है, ओम होम नमः। आप चाहें तो दशमुखी रुद्राक्ष के ऊपर भगवान विष्णु के अष्टोत्तर शतनाम का 108 पाठ करके आप इसे सिद्ध करके धारण कर सकते हैं। जो दशमुखी रुद्राक्ष है, ये विष्णु स्वरूप भी माना जाता है। विष्णु स्वरूप मानने पर इनका लाभ और बढ़ जाता है, और ये दशों दिशाएं, जो 10 दिशाएं हैं हमारी, उन दशों दिशाओं से आपकी ये सुरक्षा करने का के लिए कटिबद्ध होते हैं। यह दशमुखी रुद्राक्ष जैसे कभी कभी महसूस होता है कि हमारे पीछे कोई खड़ा है, एक भय जैसा बना रहता है, साथ में अनिद्रा या गर्भधारण में समस्याएं, गर्भपात का ज्यादा से ज्यादा भय कि गर्भ गिर जाएगा, उसके निमित्त हम यह भगवान विष्णु रूपी दशमुखी रुद्राक्ष धारण करने से हमें इन समस्याओं से समाधान मिलता है। जय श्री राधे।